नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नववर्ष गुड़ी पड़वा के अवसर पर हिंदू जागरण मंच ने स्थानीय जय स्तंभ चौक पर भारत माता की आरती करने के उपरांत वहां से गुजरने वाले सभी नागरिकों को तिलक लगाकर हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं दुर्गा वाहिनी मौजूद रहे। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के अवसर पर नगर में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहाँ पर आज जो गुड़ी पड़वा का एक अवसर है, ये इसके साथ नवरात्र का त्यौहार भी है आज, तो ये जागरण किया जा रहा है। यहाँ पे जो युवा हैं हमारे देश के, उन सभी के लिए जागरूकता का अभियान भी है। और यहाँ पे हम जो हिंदू जागरण मंच है, ये कि मंच ऐसा काम कर रहा है जो हिंदुओं को जागरूक कर रहा है। तो यहाँ पे जो गंज बांसुदा हमारी जो तहसील है, यहाँ पर हम सभी लोग मिल के जो नागरिक हैं, जो युवा हैं, उनको प्रेरित करने के लिए आज तिलक लगाकर उनका सम्मान कर रहे हैं और उनको एक प्रेरणा दे रहे हैं कि वो भी इस त्यौहार को अच्छी तरीके से भली भांति मनाया करें। प्रसन्न हो गया और विगत 3-4 वर्षों से दिन प्रतिदिन ये माहौल बढ़ रहा है, अपने सनातन का विस्तार हो रहा है, हिंदू धर्म का विस्तार हो रहा है। और एक हिंदू धर्म भी विश्व में एक ऐसा है जो शांति का संदेश देता है, सबको मिलजुल के रहने का भाव सिखाता है। अगर ये इसका सही तरीके से पालन हो गया तो पूरे विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की थी, वही दिन आज है। आज गुड़ी पड़वा का पवन पर्व है, 9 वर्ष है। मैं पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, विश्व में शांति रहे, सुख समृद्धि रहे और पूरा भाईचारे के सहित पूरा समाज रहे। एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे समाज को, आप सभी को। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर